Good morning. जयंबे सर, जयंबे होमवर्क सबमिट करी थे? गुड मॉर्निंग सर। क्या नहीं बोले हमें सर? अवड़े करो छो? अवड़े कसु नहीं, एक वर्ष भेजा आराम थी, फरी वर्क करीशु आपने। आज लास्ट डे, बंदा ने एंटर करा लास्ट डे बराबर। Okay. Conditions for constructive and destructive interference. Okay. चलो दोनों फिर से एक बार लिख दें। पांच डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पांच डिफरेंस एंड लैम्डा एंड फेस डिफरेंस टू एंड पाई, बिकॉज लैम्डा इज इक्वल टू टू पाई। लैम्डा इज इक्वल टू टू पाई, लैम्डा डिस्टेंस मतलब ये वाली यहां से यहां तक, और ये पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा मतलब 360 डिग्री, एंड 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। इसे लैम्डा की जगह आप 2 पाई रखेंगे तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए रहेगा, लेकिन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमने कंप्लीट किया था पाथ लेंथ लिखनी है, सॉरी पाथ डिफरेंस लिखना है, पाथ डिफरेंस। सो एन प्लस 1 बाई 2 लैम्डा, इसको 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों चलेगा। Okay, similarly phase difference, lambda की जगह आपको 2 pi रखना है, n plus 1 by 2 into 2 pi, yeah. Suppose आप 2n plus 1, तो यहाँ क्या रखेंगे? 2 pi, मतलब 2 to cancel, तो ये conditions हमने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बताया था। कंस्ट्रक्टिव मतलब जहां लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, और डिस्ट्रक्टिव मतलब अपोज करेंगे, मतलब इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी, ये मैक्सिमम, और ये क्या हो जाएगा? जीरो। ओके, ये कंडीशन हमने कंप्लीट कर ली थी। आज जो हमको कंप्लीट करना है, सपोज यहां हमने कंप्लीट किया था कि दोनों करंट सोर्सेस है, करंट सोर्सेस का मतलब क्या होता है कि दोनों के बीच की फेस डिफरेंस जीरो या कॉन्स्टेंट। ओके, तो इस हिसाब से हमने ये कंप्लीट किया था। आज उन लोगों ने आगे ये बताया कि ऐसी पॉइंट जहां फेस डिफरेंस फाई हो तो इंटेंसिटी कितनी मिलेगी। ओके, इंटेंसिटी कितनी होगी? पहले इंटेंसिटी की फॉर्मूला डिराइव करते हैं कि इंटेंसिटी की फॉर्मूला क्या होगी, क्लियर? और ये क्वेश्चन प्रॉपरली प्रिपेयर करना, क्योंकि इंटेंसिटी की जो फॉर्मूला है अब एक चीज तो है, अभी बोर्ड एग्जामिनेशन कल भी सीबीएसई डिक्लेरेशन की फोर्थ में, मतलब आपकी 21 में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, क्लियर? उसी हिसाब से चलेगा। लेकिन उन लोगों ने भी सिलेबस में डिडक्शन दिया, इन लोगों ने भी सिलेबस में डिडक्शन दिया, तो मोस्ट प्रोबेबल गुजरात गवर्नमेंट तो आपको गुजसेट के अंदर ही डिडक्शन नहीं पूछेगी। ओके, क्योंकि सीबीएसई में डिडक्ट हो चुका है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। अभी मुझे तो पता नहीं, आप लोग जानते हो तो बताओ कि जेडब्ल्यू नीट में भी वो कैंसिल हुआ पोर्शन जो सीबीएसई ने कैंसिल किया? नहीं सर, नहीं हुआ। नहीं हुआ? नहीं सर, नहीं हुआ है। इसलिए वो ऑप्शंस रखे हैं, वो 10 न्यूमेरिकल्स के, वो ऑप्शंस में रखेंगे सर। न्यूमेरिकल टाइप आता ना इमा को, ये 5 क्वेश्चन आता ना, नीचे ये 10 क्वेश्चन का ही रहा, कोई पर 5 क्वेश्चन करवाना। देखो नई पेपर पैटर्न भी आपको ग्रुप में रख दी होगी ना सर ने, ये मैडम ने कहीं रखा आपको नई पेपर पैटर्न आपकी आई वो सर? बोर्ड ना मुखिया था, बोर्ड 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 नहीं, बोर्ड नहीं जाता, बोर्ड नहीं, बोर्ड की जो न्यू पेपर पैटर्न है वो
अभी क्या हो गया, पहले इंटरनल ऑप्शन था कि सपोज 15 के साथ 15 ऑप्शन में, ओके बीच में और लिख के दिया जाता। अब क्या होगा कि फर्स्ट डिवीजन राइट अप के अंदर फर्स्ट डिवीजन 2 मार्क्स क्वेश्चन एंड 2 मार्क्स क्वेश्चन 8 होंगे 16, लेकिन वो लोग आपको 12 देंगे एनी 8 ऐसा करके जनरल ऑप्शन आपको दिए गए। क्लियर, 12 क्वेश्चन देंगे एनी 8, और वाली सिस्टम बंद। पहले क्या था 8 क्वेश्चन थे, बीच में 2 जगह और लिख के देते थे, ये तो 12 क्वेश्चन होंगे ओके, और एनी 8 3 मार्क्स में 6 क्वेश्चन लिख लें 18, तो वहां 9 होंगे एनी 6 एनी 6, और 4 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन थे ओके, वहां 6 क्वेश्चन दिए एनी 4। मतलब आपको 1.5 टाइम्स वाली क्वेश्चन, मतलब 50% ऑप्शन मिलेगा 12 में से 8 लिखने, 50% लेफ्ट का लिखना उतना, मतलब ऐसे तो 33% ऐसा लिखा जाता है, 12 में से 8, 9 में से 6, 6 में से 4 क्वेश्चंस लिखने हैं। मतलब अब इंटरनल ऑप्शन नहीं होंगे, जनरल ऑप्शन रहेगा, ये बेनिफिट ज्यादा रहता है, ये इजी हो जाएगा। पहले तो क्या कि दोनों के बीच में और लिखा, दोनों आते ही है लेकिन बाकी वाला नहीं आता, तो और कभी ऐसे दोनों नहीं आते तो प्रॉब्लम ही नहीं होता ओके। तो मेन चीज क्या, दोनों के बीच में जब और लिखा दोनों आता है और अदर क्वेश्चन सब कंप्लीट नहीं करता है तो प्रॉब्लम, इसलिए जनरल ऑप्शंस है, बाकी सब वही का वही रहेगा। क्लियर, तो वो एक बार प्रॉपरली चेक करना, वो जो पूरा टेबल पीडीएफ में लिख के दिया है वो कंप्लीट करना, कौन सी क्वेश्चन कैसे और किस तरह से होगी। यहाँ भी पहले क्वेश्चन मतलब 10 नंबर, ये जो चैप्टर 10 पोलराइजेशन पूरा कैंसिल हो चुका है, पूरा पोलराइजेशन, तो जो पोलराइजेशन है वो लास्ट में पढ़ेंगे, पहले पूरे न्यूमेरिकल के साथ इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे बराबर। चलो पहले वो इंटेंसिटी वाली फॉर्मूला, अब इंटेंसिटी वाली फॉर्मूला बोलो सर, वो अनाउंसमेंट ऐसा भी हुआ कि फर्स्ट मार्च से प्रैक्टिकल एग्जाम भी वो लोग कंडक्ट करेंगे, तो गुजरात गवर्नमेंट तुझे क्या प्रॉब्लम, तू सीबीएसई में क्या सर, तो गुजरात गवर्नमेंट करेगी, लेकिन अभी तक तो प्रैक्टिकल हुआ ही नहीं, पहले प्रैक्टिकल कंप्लीट करो लिखो, और बाद में आपको लैब में बताया जाएगा कि अभी आपके एग्जाम होगी कब होगी, अभी स्कूल कब स्टार्ट होगा नहीं डिसाइड किया। मतलब मेरी कैलकुलेशन की 15 जनवरी के बाद इसकी कुछ ना कुछ तो डिसीजन आएगी, या मैक्सिमम फर्स्ट कहां से फरवरी से हो सकता है कि आपको बुलाएंगे, तो बाद में वहां जाके वही काम करना है, रोज प्रैक्टिकल मेजोरिटी तो वही काम होगा, फटाफट प्रैक्टिकल कंप्लीट होंगे, और बाद में सपोज बोर्ड ने भी एग्जाम ली तो प्रैक्टिकल सभी लिख के प्रिपेयर करना है ना, क्योंकि अभी तो जर्नल नहीं बनाएंगे तो लाए नहीं है, बहुत सारी चीज है, बहुत जर्नल परचेस की बनाई थोड़ी आपने, प्रैक्टिकल लिख दिए जर्नल लाए नहीं सर, तो बाद में वो तो परचेस करके रखा ना, तो डिपेंड है अभी तो स्टार्ट कैसे होगा, कब कैसे कितने प्रैक्टिकल करवाएंगे, हो भी सकता है कि पहले लास्ट ईयर बोर्ड की एग्जाम बहुत बार हुई थी ओके, तो इस बार सपोज ऐसा भी बता कि स्कूल ले लो, चलो स्कूल लेंगे चलेगा, प्रैक्टिकल एग्जाम स्कूल कंडक्ट कर ले, इस साल बार नहीं होगा, ये भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अभी तो डिस्कशन के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि इस बार आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम स्कूल ही लेगी, बाहर नहीं जाएगी, बाद में बोर्ड पे डिपेंड है, क्योंकि इतने सालों से तो बोल स्कूल में ही होती थी, सिर्फ 2 साल मेरे ख्याल से 1 या 2 साल वो बाहर एग्जामिनेशन हुई, बाकी स्कूल में ही होती थी, तो इस कंडीशन के हिसाब से ऐसा पॉसिबल है कि सब बस बाहर नहीं भेजेंगे, स्कूल में खत्म करो, क्योंकि अभी तो प्रैक्टिकल करवाना बाकी है। क्लियर, बात की बात है, लेकिन अभी जो पढ़ना हो तो कंप्लीट करना पड़ेगा। चलो उन लोगों ने क्या बताया कि 2 सोर्स है, डिफरेंट 2 सोर्सेस है ओके, जो भी आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा डिफरेंट 2 सोर्सेस है, डिफरेंट 2 सोर्सेस से जो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, y1 इज इक्वल टू a cos ओमेगा t एंड y2 इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस phi या माइनस phi, तो प्लस phi लिखा है, मतलब इसकी फेस वैल्यू ज्यादा है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सोर्स ओके, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू में डिफरेंस क्या है, प्लस phi। अब सपोज ऐसे 2 वेव इस एक पॉइंट पे सुपरपोज होंगे, तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन थ्योरम
ए कॉस ओमेगा टी प्लस ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव क्या होगा, ए कॉमन निकल जाएगा, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव सी प्लस सी टू सी सी दो भाई लोग कुछ दो मतलब टू कॉस तो टू ए तो लिखेंगे क्योंकि ये तो बाहर है ही, टू कॉस ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव डिवाइड बाई टू इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी माइनस फाइव डिवाइड बाई टू कैसा लिखा ब्लैक पेन से बराबर फॉर्मूला फॉर्मूला ओके कॉस ट्रिप ए प्लस कॉस बी डिजाइन ड्रा कर दें cos a plus cos b is equal to 2 cos a plus b divided by 2 cos a minus b divided by 2 then दोनों को ऐड किया यहां डिवाइड बाय 2 दोनों को सबट्रैक्ट किया डिवाइड बाय 2 ओके एंड दैट इज इक्वल टू 2a cos क्या लिखेंगे 2 ओमेगा t अपॉन 2 मतलब ओमेगा t प्लस फाइव बाई टू इंटू ओमेगा टी कैंसल कॉस माइनस फाइव बाई टू लेकिन कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा सो नाउ टू ए कॉस फाइव बाई टू इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव बाई टू ये जो है ओके वो इसके एम्पलीट्यूड है ये इसकी क्या होगी एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज टू ए कॉस फाइव बाई टू ओके जब इस टाइप की सुपरपोजिशन होगी तब रिजल्टेंट जो भी आपको एम्पलीट्यूड मिलेगा टू ए कॉस फाइव बाई टू डिपेंड ऑन फाइव ओके अब इसे इंटेंसिटी लिखनी है तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टू ए कॉस फाइव बाई टू होल स्क्वायर एंड देयरफॉर आई प्रोपोर्शनल टू फोर ए स्क्वायर cos square 5 by 2 cos square 5 by 2 और पहले भी हम पढ़ चुके हैं इसको क्या लिखेंगे हम i is equal to 4 i 0 क्यों square इसलिए किसी इंडिविजुअल के लिए ये इसको इंडिविजुअल के लिए इंटेंसिटी लिखनी है सो i 0 proportional to a square i 0 proportional to a square तो यहां इसको सेपरेट कर दो ओके आई जीरो प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर एंड आई प्रोपोर्शनल टू फोर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू दोनों की सपोज मैं यहाँ रेशियो लेता हूँ सो आई अपॉन आई जीरो तो यहाँ क्या होगा फोर ए कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू अपॉन क्या लिखेंगे ए स्क्वायर कैंसल उधर मल्टीप्लाई कर दो आई इक्वल टू फोर आई जीरो कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू मैंने हाइगेंस प्रिंसिपल में बताया था कि इंटेंसिटी की फॉर्मुला के अंदर ये वाली टर्म आती है cos square 5 by 2 लिखा था सर हाइगेंस ने एक्सप्लेन किया था कि आगे जाएंगे तो इंटेंसिटी मिलती yes, है प्रोपोगेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में इंटेंसिटी नहीं होती तो ये फार्मूला i equal to 4i 0 cos square 5 by 2 आगे जाएंगे तो इंटेंसिटी ज्यादा होगी ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब ये 180 डिवाइड बाय 2 मतलब 90 एंड cos 90 मतलब 0 क्लियर तो इस टाइप के उन लोगों ने डायग्राम के साथ ये उन लोगों ने डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करके दिया डायग्राम को जिस तरह से बताया कि n इक्वल टू 0 है देन 1 दोनों साइड ऐसे ड्रा कर लिए -1 n इक्वल टू 1 n इक्वल टू -1 -1 नहीं होता अदर साइड है इसलिए देन 2 3 ऐसे ड्रा करके दिया होगा देखो टेक्स्ट बुक के अंदर और वहां इंटेंसिटी की जो फार्मूला उसको कंप्लीट करो एक चीज और है उन लोगों ने ये वाली इंटेंसिटी से पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया ओरिजिनली रिजल्टेंट इंटेंसिटी की फॉर्मूला जो होती है यही लिख देता हूं आई इज इक्वल टू आई वन स्क्वायर प्लस आई टू स्क्वायर टू रूट आई वन आई टू टू रूट क्या लिखेंगे आई वन आई टू कॉस फाइव ओरिजिनल फॉर्मूला इस टाइप की है ये फॉर्मूला भी आप वहां लिख के रखेंगे ओके ये वाली फॉर्मूला आप लिख के रखेंगे क्योंकि
जो इंटेंस दोनों के लिए आई वन आई टू दो डिफरेंट सोर्सेस है, सपोज दोनों की इंटेंसिटी डिफरेंट है, यहाँ दोनों की इंटेंसिटी इक्वल है, मतलब आई जीरो लिखा था, दोनों की इंटेंसिटी डिफरेंट है तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं, ओके और इससे कंप्लीट हो सकता है। सपोज सब दोनों की इंटेंसिटी इक्वल है तो ये आई जीरो, ये भी क्या होगा आई जीरो स्क्वायर टू रूट आई वन आई टू, ओके और सब कुछ लिख दे तो वही आंसर होने वाला है, चेक करो तो पता चलेगा ये मैंने गलत लिखा सही लिखा, ऐसा होना चाहिए। देखो आई जीरो आई जीरो कितना होगा, ये भी टू आई जीरो मतलब फोर आई जीरो कॉस फाइव, इस तरह की फॉर्मूला दी है फोर आई जीरो कॉस फाइव। ये फॉर्मूला आप रिजल्टेंट के लिए याद रखें, मैं किसी न्यूमेरिकल में आपको बताऊंगा ये वाली फॉर्मूला यूज करके आंसर होगा, इसे टेक्स्ट बुक में ये वाली फॉर्मूला है, ओके पहले कंप्लीट करो चलो। सर कंप्लीट ए
इंटेंसिटी की फार्मूला लिख ली, यस आई इज इक्वल आई वन आई टू टू रूट आई वन आई टू कॉस फाइव। ओके, ये जब टॉपिक स्टार्ट किया था डिफरेंट दो टाइप के सोर्सेस बताए थे, करंट सोर्सेस एंड इनकरंट सोर्सेस। इसका यूज क्या है, करंट सोर्सेस मतलब फेस डिफरेंस इक्वल या जीरो, उससे जो आपको इंटेंस मतलब जो फ्रिंजिस मिलेगी, इंटरफेरेंस के लिए फ्रिंजिस जो मिलेगी वो इंटरफेरेंस फ्रिंजिस के लिए इक्वल, मतलब एज फॉर एग्जाम्पल सपोज आपने किसी दो डिफरेंट सोर्सेस से जो भी लाइट निकलती है ना, सोर्स है S1 S2 सोर्स है, यहां स्क्रीन रखा सपोज, यहां से दोनों P पॉइंट पे इंटरसेक्ट हुए, ओके, लेकिन ये दोनों करंट सोर्सेस है तो स्क्रीन के ऊपर आपको इस तरह की फ्रिंजेस दिखाई देगी, मतलब इस तरह के बैंड दिखेंगे। इसमें क्या होता है कि सभी ब्राइट मतलब इंटेंस लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, वो सभी डार्क लाइट की इंटेंसिटी जीरो, ओके, इस टाइप की फ्रिंजेस दिखाई देगी। जहां जहां आपको ब्राइट मतलब लाइट बैंड जो दिखता है, लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा मिलती है, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, और जो डार्क बैंड है ओके वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। लेकिन इस टाइप की पैटर्न कब मिलेगी, जब आपके पास करंट सोर्सेस होगा, तब दोनों सोर्स करंट सोर्सेस मतलब द फेज डिफरेंस बिटवीन S1 एंड S2 बिकम्स जीरो या इक्वल, तब जाके इस टाइप की फिनोमेना होगी। लेकिन सपोज एक करंट सोर्स नहीं है, इनकरंट सोर्सेस है, तो इसका मतलब इंटेंसिटी एवरेज हो जाएगी। एवरेज इंटेंसिटी मतलब इंटेंसिटी की जो फॉर्मूला, इसको एवरेज करके कैलकुलेट करो, एवरेज आई, अब देखो फोर आई जीरो तो रिमेन कॉन्स्टेंट बिकॉज ऑफ मल्टीपल या टाइम के साथ वेरिएट नहीं होगा, जो वेरिएट होगा वो कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू होगा, कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू। अब सपोज आपको उसको वन पीरियडिक टाइम के लिए यहां सेपरेटली लिखता हूं, चलो कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू, ये कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू के लिए सपोज आपको काम करना है वन बाई टू इंटीग्रेशन जीरो टू टी, वन अपॉन टी इंटीग्रेशन जीरो टू टी कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू इंटू डी टी, इस तरह से वर्क करना पड़ेगा। ओके, तो उन लोगों ने बताया कि इस टाइप की कंडीशन मतलब ये जो फाई लिखा जो फेज है वो भी टाइम के साथ वेरिएट होती है, ये फाई टाइम के साथ वेरिएट होता है, इसलिए डिस्क्वायर सॉरी कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू इंटू डी टी लिख के दिया। तो उन लोगों ने बताया कि इसके लिए आपको आंसर वन बाई टू मिलेगा, जैसे हमने सेवन चैप्टर में नंबर ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यूएशन डायरेक्ट लिख दी थी, तो यहाँ भी क्या बताया इसकी आंसर वन बाई टू। अब ये आंसर वन बाई टू सपोज मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ, सो फोर आई जीरो डिवाइड बाई इंटू वन बाई टू जस्ट टू आई जीरो, तो इनकरंट सोर्सेस होगी तो एवरेज इंटेंसिटी टू आई जीरो होगी, लेकिन करंट सोर्सेस होगा तब ब्राइट बैंड जो है उसकी इंटेंसिटी फोर टाइम्स इंक्रीज होगी, फोर टाइम्स इंक्रीज मतलब इसके लिए आई जीरो है, इसके लिए आई जीरो है, लेकिन दोनों जब यहाँ इंटरसेक्ट होंगे, करंट सोर्सेस है डिस्क्रिप्ट सॉरी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो ब्राइट बैंड होगा, इंटेंसिटी फोर आई जीरो, लेकिन सपोज यहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो डार्क बैंड मिलेगा, इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। लेकिन दोनों इनकरंट सोर्सेस है ओके, तो यहां जो भी इंटेंसिटी दिखाई देगी वो टू आई जीरो जितनी होगी, वो आपको इंटरफेरेंस फ्रिंजेस नहीं मिलेगी, लेकिन पूरा स्क्रीन जो है टू आई जीरो वाली इंटेंसिटी से आपको डार्क मतलब दिखाई देगा, क्लियर। तो ये भी एक डिफरेंस दिया, करंट सोर्सेस से ही आपको इंटरफेरेंस फ्रिंजेस मिलेगी, पैटर्न जो दिखती है इंटरफेरेंस पैटर्न जो दिखती है वो ड्यू टू करंट सोर्सेस, इनकरंट सोर्स से पॉसिबल नहीं है। एक और भी एग्जांपल बताओ, क्योंकि नंबर ऑफ टाइम्स पूछा गया है कि सपोज डिफरेंट टू लाइट बल्ब अ सिंगल स्विच, ये दोनों के बीच में एक सिंगल स्विच कनेक्ट करेंगे और सपोज उसको ऑन करेंगे तो दोनों की फेस डिफरेंस इक्वल होगी करंट सोर्सेस के लिए, यही दोनों करंट सोर्सेस बताया जाएगा। दो लैंप है, दोनों के बीच में एक ही आप स्विच रखेंगे और स्विच ऑन करके आप स्टार्ट करेंगे तो ये करंट सोर्सेस हो सकता है, क्योंकि पहले मैंने डेफिनेशन बताई थी, डेफिनेशन क्या थी करंट सोर्सेस के लिए, सर फेस डिफरेंस दोनों का अलग है, हाँ कोड करंट सोर्सेस के लिए फेस डिफरेंस इक्वल टू जीरो या कांस्टेंट, ओके जो करंट सोर्सेस है, लेकिन दो लैंप रखने के बाद आप स्विच रखेंगे ना
तो फेस डिफरेंस इक्वल नहीं मिलेगा, कॉन्स्टेंट भी नहीं रहेगा, मतलब इनकरंट सोर्सेस है। तो करंट सोर्सेस मिलेंगे कैसे? तो उन लोगों ने बताया कि आप किसी भी वेव फ्रंट को दो वेव फ्रंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल यार्डेंट में बता रहा हूं कि सपोज बॉड के ऊपर ऐसे गैप है, यहां से लाइट एंटर होगी, ओके, और यहां ये ओरिजिनल सोर्स S, ये है S1, ये वाली गैप S2, मतलब यहां से जो लाइट आएगी वो दो पोर्शन से बाहर निकले, मतलब यहां से जो वेव फ्रंट निकलते हैं वही वेव फ्रंट यहां से बाहर आएंगे, लेकिन यहां से बाहर आएंगे तब वो दो वेव फ्रंट डिफरेंट हो जाएंगे। एक वेव फ्रंट को दो वेव फ्रंट के अंदर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो दोनों वेव फ्रंट आपको करंट सोर्सेस की तरह काम देगा। क्यों? वेव फ्रंट की डेफिनेशन ऐसी है कि वेव फ्रंट के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स है या पॉइंट्स है, जो भी आप एजम्पशन करते हैं, ओके, सबकी फेस इक्वल, इसलिए सिंगल वेव फ्रंट को दो वेव फ्रंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ओके, तब जाके आपको करंट सोर्सेस की तरह वो पूरी पैटर्न मिलेगी। उन लोगों ने ये भी बताया, ये जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया ना, दो लाइट लैंप आप यूज करेंगे और किसी S1 S2 के, मतलब यहाँ दो लैंप रखेंगे और बाद में इंटरफेरेंस चेंजेस देखने जाएंगे तो मिलेगा, तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं है कि वो करंट सोर्सेस नहीं इनकरंट सोर्सेस है और इसलिए प्रॉब्लम है। तो कैसे अरेंजमेंट करेंगे? तो किसी एक बोर्ड के अंदर आप होल कर दो, ओके, यहाँ से जो लाइट पास होती है दूसरा एक बोर्ड आपको नजदीक में दो होल करेंगे तो इससे पास होने लाइट ये दोनों वेव फ्रंट से बाहर होगी, मतलब सिंगल वेव फ्रंट दो वेव फ्रंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और जब सिंगल वेव फ्रंट दो वेव फ्रंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओके, तो ये दोनों वेव फ्रंट आपको करंट सोर्सेस की तरह वर्क देंगे। ये सबसे पहले थॉमस यंग के एक्सपेरिमेंट से मिला था, ये अरेंजमेंट जो मैंने बताई थॉमस यंग के एक्सपेरिमेंट है, जिसने इंटरफेरेंस की जो अपनी प्रैक्टिकल है वो एक्सप्लेन की, तब बताया था एक सोर्स से जो भी वेव फ्रंट क्रिएट होता है वो दो सोर्स के ऊपर, मतलब दो सोर्स के मतलब हॉल है, गैप, स्लिट। सपोज आपने यहाँ एक लैंप रखा, इस गैप से लाइट पास हुई तो कौन सा होगा? स्फेरिकल, ओके, वो स्फेरिकल वेव फ्रंट जब दोनों गैप से बाहर जाएंगे तो दो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेंगे जो एक दूसरे के ऊपर इंटरसेक्ट होंगे, ओके। ये अरेंजमेंट सबसे पहले यंग ने एक्सप्लेन करके दी थी, क्लियर। अब जो यंग की एक्सपेरिमेंट है, उस यंग के एक्सपेरिमेंट से आपको पाथ डिफरेंस की फॉर्मूला, क्योंकि आपके पास कंडीशन है, कंस्ट्रक्टिव के लिए दो कंडीशन है, डिस्ट्रक्टिव की दो कंडीशन है, कंस्ट्रक्टिव की फर्स्ट कंडीशन पाथ डिफरेंस इक्वल टू एन लैम्डा, लेकिन पाथ डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? एज फॉर एग्जाम्पल मैं एक डायग्राम बना रहा हूं जिससे आपको पता पाथ डिफरेंस कैसे होगा। एज फॉर एग्जाम्पल की यहां एक स्लिट रखी गई, ये S, यहां से लाइट एंटर होगी, ओके, और बाद में ये S1 और ये S2, मतलब यहां से जो वेव फ्रंट आएंगे वो वेव फ्रंट यहां से बाहर जाएंगे, क्लियर। और यहां मैंने स्क्रीन रखा, स्क्रीन के ऊपर इस पॉइंट के ऊपर ये दोनों यहां से जो भी वेव निकलेंगे वहां इंटरसेक्ट होंगे, ओके, ये सेंटर वाली लाइन जिसको हम ओरिजिन लिखेंगे, ये वाली डिस्टेंस इसको स्मॉल डी बताया जाता है, विड्थ ऑफ स्लिट। तो इसका मतलब ये जो डिस्टेंस आया वो डी बाय टू, ये भी डिस्टेंस क्या होगा, डी अपन टू, ये भी डिस्टेंस क्या होगा, डी अपन टू, ओके। उन लोगों ने बताया कि सेंटर से, स्क्रीन के सेंटर से जहां भी ये दोनों इंटरसेक्ट होते हैं वो डिस्टेंस एक्स होता है, ये डिस्टेंस क्या होता है, एक्स। तो इस डिस्टेंस को क्या बताएंगे, एक्स माइनस डी बाय टू, और ये वाला डिस्टेंस x प्लस डिवाइड, मतलब यहां से दो वेव
जो निकलेंगे वो इस पॉइंट पे जो उन लोगों ने पी पॉइंट लिख के दिया, पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट होंगे। ओके, पी पॉइंट स्क्रीन के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे, तो ये डिस्टेंस एक्स माइनस डी बाई टू, ये एक्स प्लस डी बाई टू। ओके, स्लिट से स्क्रीन तक के डिस्टेंस इज कैपिटल डी। डायग्राम के अंदर एक बार डायमेंशन एक्सप्लेन कर दूं, तो ये वाली जो स्लिट्स है एस वन एस टू के बीच का डिस्टेंस टेंथ पार्ट ऑफ मिलीमीटर, मतलब 0.1 मिलीमीटर से स्टार्ट होगा। ये बहुत छोटा होता है, मिलीमीटर भी नहीं, टेंथ पार्ट ऑफ मिलीमीटर, ये मिलीमीटर से भी कम, और ये डिस्टेंस 1 मीटर, ये इससे ज्यादा। इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस इससे 10,000 टाइम्स मोर। न्यूमेरिकल चेक करेंगे तो पता चलेगा एस वन एस टू के बीच की डिस्टेंस ऑलवेज टेंथ पार्ट ऑफ मिलीमीटर, और डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन ऑलवेज 1 मीटर या इससे ज्यादा। तो मतलब ये वाली डिस्टेंस इससे 10,000 टाइम्स क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर? अब उन लोगों ने बताया कि यहां से वहां तक जाना और इधर से यहां तक जाना। ओके, ये तो इक्वल ही है, ये डिस्टेंस तो इक्वल है, मेन तो ये वाला डिस्टेंस है। तो इसका मतलब सपोज मैं यहां से लाइन ड्रॉ कर दूं तो एस टू ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है, एस वन कम डिस्टेंस कवर करता है, तो दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस है उसकी फॉर्मूला हमको निकालनी है। वो भी लिखा है इन टर्म्स ऑफ एक्स डी एंड कैपिटल डी, क्योंकि वही पैरामीटर हम जानते हैं, एक्स मतलब सेंटर से जहां फ्रिंज मिलती है वो, डी मतलब विड्थ ऑफ स्लिट, एंड कैपिटल डी डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन। ओके, वो कंप्लीट करना है। अब उसने यहां लिख के दिया कि सबसे पहले पी टू एम, एम और एन कहां लिखा हो बता दो, यहां एम लिखा और यहां एन लिखा। ओके, तो पी टू एम क्या हो, पी एम इज इक्वल टू नॉट ए प्राइम मिनिस्टर बट पी एम इज इक्वल टू एक्स माइनस डी बाई टू पी एन, सो एक्स प्लस डी बाई टू, ये दोनों डिस्टेंस होंगे। क्लियर? अब उसने लिखा अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल एस वन, जस्ट ए मिनट, कौन सी ट्राइंगल, ओके पी एम एस वन, ये ट्राइंगल पी एम एस वन, अकॉर्डिंग टू दैट पी एम एस वन। ओके, पी एम एस वन के अंदर एस वन पी होल स्क्वायर, एस वन पी होल स्क्वायर इज इक्वल टू एस वन एम होल स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर। सही लिखा गलत? फॉर ट्राइंगल पी एम एस वन राइट एंगल ट्राइंगल होगा, इसको क्या बताएंगे, हाइपोटेनस। सो एस वन पी स्क्वायर इज इक्वल टू एस वन एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर, ऐसा होगा। ओके, और इससे सपोज एस वन पी तो हो गया, अगेन चलो एक और ट्राइंगल डिसाइड कर दे, ये वाला फ्रॉम ट्राइंगल पी एन एस टू, पी एन एस टू कौन सा हाइपोटेनस होगा, पी एस टू होल स्क्वायर, तो एस टू भी होल स्क्वायर या पी एस टू होल स्क्वायर। ओके, इज इक्वल टू एस टू एन क्लियर। तो उन लोगों ने बताया कि ये दोनों के बीच डिस्टेंस या डिफरेंस निकालना है, तो सबसे पहले क्या रखेंगे, इसके आगे भी लिखना तो लिख सकते हैं, चलो एस वन एम, एस वन एम कितना होगा, एस वन एम मतलब डी स्क्वायर प्लस पी एम, पी एम इक्वल टू एक्स माइनस डी बाई माइनस डी बाई टू डी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी बाई टू होल स्क्वायर। क्लियर? एस टू एन वो भी वही होगा पी एन। क्लियर? ओके, कौन सी लेंथ ज्यादा, तो एस टू पी, कौन सी लेंथ कम होगी, पी एस टू, हाँ एस टू पी, एस टू पी होल स्क्वायर माइनस एस वन पी होल स्क्वायर। ओके, चलो पहले एस टू पी के लिए लिखेंगे, तो एस टू पी मतलब डी स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी बाई टू होल स्क्वायर
माइनस डी स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस डी होल स्क्वायर हो सकता है ऐसा. इसका मतलब डी स्क्वायर कैंसल एक्स प्लस डी बाई टू होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस डी बाई टू होल स्क्वायर. क्लियर? बराबर? कोई प्रॉब्लम? चलो दोनों की सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट करे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे एक्स डी डी स्क्वायर बाई टू फोर 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 माइनस इसमें साइन चेंज हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस की जगह प्लस एक्स डी माइनस डी स्क्वायर बाई फोर. तो ये दो ये कैंसल. इसका मतलब एस टू पी स्क्वायर माइनस एस वन पी स्क्वायर एस टू पी स्क्वायर माइनस एस वन पी स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टू एक्स डी. ओके तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं एस टू पी माइनस एस वन पी एस टू पी प्लस एस वन पी एंड दैट इज इक्वल टू एक्स डी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी. बराबर है? यस सर. नाउ एस टू पी माइनस एस वन पी लेकिन देखो एस टू पी और एस वन पी उन लोगों ने बताया कि डी होगा. क्यों ऐसा मैं बता रहा हूं डी प्लस डी ऐसा बताया इसलिए कि ये डिस्टेंस ओके टेंथ पार्ट ऑफ मिलीमीटर और ये डिस्टेंस कितना है इन टर्म्स ऑफ मीटर. मैंने पहले भी बताया कि ये वाली डिस्टेंस इससे 10,000 टाइम्स मोर. अब देखो एक मिलीमीटर की भी गैप ये दोनों के बीच में नहीं है एक मिलीमीटर का भी टेंथ पार्ट मतलब दोनों नजदीक मतलब एकदम नजदीकी होंगे सेम पॉइंट जैसा ही दिखेगा. तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस या यहां से यहां तक की डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी. तो उन लोगों ने लिख के दिया कि एक्स और डी कैपिटल डी के सामने निग्लिजिबल बराबर है और निग्लिजिबल बराबर है मतलब ये डी प्लस डी होगा एंड दैट इज इक्वल टू एक्स डी. तो हमको तो पाथ डिफरेंस ये था एस टू पी माइनस एस वन पी इज इक्वल टू एक्स डी अपॉन टू डी. एस टू पी मतलब यहां से एस वन पी मतलब ये दोनों की डिफरेंस मतलब पाथ डिफरेंस होगा कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा. So now S to P minus S one P is equal to X D upon capital D. Suppose दो वेव के बीच की पाथ डिफरेंस आपको निकालनी है तो सबसे पहले सेंटर से फ्रिंज कहां मिलती है वो देखना पड़ेगा. दो स्लिट या दो सोर्स के बीच की डिस्टेंस मतलब विड्थ ऑफ स्लिट वो पता चलना चाहिए और डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस वो चाहिए. ओके अब सपोज मान लो कि आप पाथ डिफरेंस इक्वल टू एन लैम्डा लेंगे तो कंस्ट्रक्ट इंटरफेरेंस और एक्स डी अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू एन प्लस वन बाई टू लेमडा लेंगे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. ओके तो अब पता चले कि पाथ डिफरेंस की फॉर्मूला क्या होगी. तो मैंने लिख के दिया एस टू पी माइनस एस वन पी इज इक्वल टू एक्स डी अपॉन कैपिटल डी. ये मार्च 2020 में उसने बताया. एक बार सिंप्लीफिकेशन चेक करो पूरा नहीं लिखा है तो आप एक बार इसको चेक करके कंप्लीट करो. नो डाउट कि होमवर्क में तो मैं साइन करूंगा लेकिन पूरी सिंपल से एक बार देख लो कि कोई डाउट नहीं है ना. चलो जल्दी
कंप्लीट यस सर हम कर रहे थे क्या ये जो फॉर्मूला बताई वो पाथ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ एक्स स्मॉल डी एंड कैपिटल डी एक्स मतलब द डिस्टेंस ऑफ फ्रिंजेस फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन ओके स्मॉल डी मतलब विड्थ ऑफ स्लिट एंड कैपिटल डी मतलब डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन ओके फॉर्मूला क्या मिली पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू एक्स डी अपन कैपिटल डी एक्स डी अपन कैपिटल डी इक्वल टू एन लैम्डा मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड एक्स डी अपन कैपिटल डी एन प्लस वन बाई टू लैम्डा तो डिस्ट्रक्टिव ओके इसे एक और चीज मिलेगी इसको xn भी लिख सकते हैं तो xn की वैल्यू क्या xn xn मतलब ये डिस्टेंस तो xn इज इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल d अपॉन स्मॉल d मतलब स्क्रीन से सेंटर से स्लिट सॉरी फ्रिंज इसका मिलेगी स्क्रीन के सेंटर से फ्रिंज की डिस्टेंस क्या होगी उसको xn n स्मॉल n लैम्डा कैपिटल d अपॉन स्मॉल n मतलब क्या सेकंड ब्राइट फ्रिंज फोर्थ डार्क फ्रिंज वो जो नंबर है वो एन करके लिखा जाता है ओके ओके ये कंस्ट्रक्टिव है डिस्ट्रक्टिव में xn इज इक्वल टू तो n प्लस 1 बाय 2 लैम्डा कैपिटल d अपॉन स्मॉल d ओके तो ये वाली फार्मूला इससे भी हो जाती है पाथ डिफरेंस की फार्मूला सपोज याद रहती है तो सेंटर से स्क्रीन पे फ्रिंजेस कहां मिलेगी वो भी मिलेगा xn इज इक्वल टू n लैम्डा कैपिटल d अपॉन स्मॉल d xn इक्वल n प्लस 1 बाय 2 लैम्डा कैपिटल d अपॉन स्मॉल d क्लियर अब एक और क्वेश्चन लास्ट टाइम ये दोनों क्वेश्चन अभी जो आप पढ़ा आपने जो पढ़ा वो और अब जो पढ़ा रहे हो वो दोनों के बीच में और लिख के क्वेश्चंस पूछे थे यंग एक्सपेरिमेंट के अंदर टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज एंड टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस क्या होगा टू कंसेक्यूटिव ब्राइट एंड डार्क के बीच की डिस्टेंस क्या होगी वो हमको कैलकुलेट करके देना है असली इसकी जरूरत पड़ी चलो इसको रहने दे ओके टू ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या लिखेंगे हम एक्स आर इज इक्वल टू एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी सपोज स्क्रीन के ऊपर ये S, S1, S2, P point, या फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज आ रही फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज मतलब XN, और इसके बाद क्या होगा XN प्लस 1, तो XN की फॉर्मूला क्या होगी XN is equal to N lambda capital D upon small d, XN प्लस 1 मतलब n प्लस वन लेमडा कैपिटल d अपॉन स्मॉल d क्लियर सपोज ये थर्ड नंबर वाली फ्रिंज है तो उसके बाद फोर्थ होगा इसका मतलब ऐसा होगा सपोज फर्स्ट तो उसके बाद क्या होगा सेकंड होगा क्लियर तो डिफरेंस ये दोनों के बीच की जो डिफरेंस है उसको बीटा करके लिखा जाएगा टू कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस बीटा इज इक्वल टू xn प्लस वन माइनस xn ये दोनों से कॉमन क्या निकलेगा लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी कॉमन निकला एन प्लस वन माइनस एन एन प्लस वन माइनस एन एंड दैट इज इक्वल टू तो बीटा की वैल्यू डिफरेंट दो कंजुगेटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी होगा लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी ये किसके लिए लिखा टू ब्राइट फ्रिंज टू कंजुगेटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी अब चेक करो कि सभी के अंदर ये कॉमन लिया था क्योंकि स्मॉल डी विड्थ ऑफ स्लिट कैपिटल डी डिस्टेंस बिटवीन स्लिट स्लिट एंड स्क्रीन इस डायग्राम के हिसाब से बताया तो ये स्मॉल डी होगा ये होगा कैपिटल डी ये डिस्टेंस एक्स और लैम्डा लाइट की वेवलेंथ रहेगी ओके चलो ये ब्राइट फ्रिंज के लिए डार्क के लिए लिख रहा हूं तो डार्क के लिए इसी फॉर्मूला से होगा xn इज इक्वल टू एन प्लस वन बाई टू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी अब उसके बाद लिखना है तो xn प्लस वन इसका मतलब जहां n है वहां n प्लस वन n की जगह n प्लस वन बाई टू
लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी ऐसा होगा, तो इसका मतलब हुआ एन प्लस थ्री बाय टू, एन प्लस थ्री बाय टू लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो यहां भी डिफरेंस ऐसा ही होगा एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन, चलो दोनों से कॉमन क्या निकलेगा लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी ब्रैकेट में एन प्लस थ्री बाई टू इसमें माइनस एन माइनस वन बाई टू, एन गया ओके थ्री बाई टू माइनस वन मतलब वन, सो आंसर बीटा इक्वल टू। तो दोनों इक्वेशन अब चेक करो डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव ब्राइट फ्रिज बीटा इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी एंड डिस्टेंस बिटवीन टू कंजुगेटिव डार्क फ्रिज लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी कुछ चेंज है ही नहीं। यही चीज बता रहे कि इंटरफेरेंस के अंदर जो फ्रिंजेस मिलती है, पहले मैंने ड्रॉ किया था फिर से बता रहा हूं, ये जो फ्रिंजेस मिलेगी तो इसका मतलब डार्क के बीच की डिस्टेंस या ब्राइट के बीच की डिस्टेंस ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट चेंज होगा, ये सबकी विड्थ इक्वली होगी। क्लियर, चलिए कंप्लीट करो। सर बोलो। सर गुजसेट ना सिलेबस में लॉजिक गेट्स है, લોજિક ગેટ્સ હશે જો પડશે કારણ કે છે જ લોજિક ગેટ્સ, તો એ લોકોએ બુકમાં પણ આપ્યું છે, લાસ્ટ ટાઈમ થોડોક એક પ્રોબ્લેમ થયો એ લોકોને એમાં એટલે એ લોકોએ નહોતું આપ્યું, પણ લોજિક ગેટ્સ આ વખતે એ લોકો ગુજરાતી મીડિયમમાં એડ કરીને આપેલું છે, મેં ચેક કરી લીધું, એ ગુજરાતી મીડિયમમાં લોજિક ગેટ્સ એ લોકોએ એક્સપ્લેન કરીને આપ્યું છે એટલે આપણે પણ એ કમ્પ્લીટ કરીશું બરાબર। લાસ્ટ ઇયર થોડોક પ્રોબ્લેમ હતો ઇનિશિયલી કે એ લોકો એ વસ્તુ ખબર ને ભૂલથી નીકળી ગયેલી જે થયું હોય, લોજિક ગેટ્સ નહોતું આપ્યું, પણ લોજિક ગેટ્સ આ વખતે છે એટલે ઇલેક્ટ્રોનિક્સ આપણે આ ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ થશે સપ્ટેમ્બર 10, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, 8 માર્કનું છે, પણ ન્યુમેરિકલમાં કશું જ નથી, ઇલસ્ટ્રેશન 1 2 5 એન્ડ 7 1 2 5 એન્ડ 7 કેલ્ક્યુલેશન વાળા તો ત્રણ જ છે એન્ડ એક્સરસાઇઝ 1 2 7 એન્ડ 10 બહુ ઓછા છે અને બહુ નાના ન્યુમેરિકલ છે અને આ ચેપ્ટર મેઇન વેટ ઇઝ થિયરી પર જ છે ઓકે 8 માર્ક્સ સપ્ટેમ્બર 10 12 માર્ક્સ સપ્ટેમ્બર 9 20 માર્ક્સ છે આ ચેપ્ટર પહેલાથી કમ્પ્લીટ થઈ જવાના અને પછી ઇલેક્ટ્રોનિક્સ લઈ લઈશું 14 નંબરનું ચેપ્ટર ચેપ્ટર નંબર 14 ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એ લઈ લઈશું એટલે ફર્સ્ટ સપોઝ એટેમ્પ્ટ જેને પણ જઈને આપવો હોય ફર્સ્ટ એટેમ્પ્ટ એને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ કમ્પ્લીટ થઈ જશે પહેલા 11 12 13 ખાલી ન્યુક્લિયર અને એટમ અને ન્યુક્લિયસ વાળું રહેશે મેઇન પોર્શન એક જ એ પોર્શન રહેશે બાકી બધો કમ્પ્લીટ ये कंप्लीट कर दो। सर तमे 1 + 1 = 1 કહેતા હતા તે લોજિક ગેટ્સ નો ક્વેશ્ચન છે, લોજિક ગેટ્સ નો પ્રોબ્લેમ છે, એટલે બધું જ શક્ય છે, આપણે જે બોલીએ તે થાય ના કેમ થાય, ઓકે થિયરી કમ્પ્લીટ કર દેના, આજે ઇસસે આગે નહીં જાયેંગે ઓકે आज इससे आगे नहीं जाएंगे। यंग्स की जो मतलब अब इंटरफेरेंस फ्रिंजेस के लिए जो एक्सप्लेनेशन है वो नेक्स्ट पीरियड में दे देंगे, कल फिर से सर का लेक्चर तो होगा ही, अभी टीटीएस के अंदर पवन सर की लेक्चर होगी ओके टीटीएस में, एमडब्ल्यूएफ में लूंगा, अब सीधा मंडे आज लेक्चर अरे सॉरी आज टेस्ट वही एकम कसौटी वाली ओके 3 to 4, तो अभी मैं चलो होमवर्क भी सेंड कर दूंगा, कल सुबह होमवर्क सेंड करना मतलब कंप्लीट करके देना है, वरना नेक्स्ट लेक्चर से डिस्टर्ब लग ओके सर।